हेलो फ्रेंड्स, हम किचन में तो अक्सर काम करते हैं, लेकिन बहुत से किचन के हमारे काम बिगड़ जाते हैं या कुछ काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्पेशली इसी से रिलेटेड है। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। इसमें सारे सॉल्यूशन बताऊंगी, तो फ्रेंड्स आप वीडियो में बने रहें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये किया है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप बालूशाही बना रहे हैं, तो बालूशाही तो बनाते हैं, लेकिन उसमें जो बीच में छेद करते हैं, तो छेद करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये बालूशाही अच्छे से सिक जाती है। तो इसके लिए यदि आपके पास ऐसा कोई भी नुकीली बेलन वगैरह हो, एक ही अच्छा साइज़ का हो, सर्किल साइज़ में, तो उससे आप ऐसे सर्किल कर सकते हैं। तो ये आसानी से सर्किल हो जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप जब भी बालूशाही बनाएं तो ऐसी मोटी मोटी बॉल्स बना लें, और सर्किल करने के लिए आप फटाफट से ऐसे आपके पास कोई भी लकड़ी है, जैसे कि वो होता है मथानी वगैरह होती है ना लकड़ी की, उससे भी आप ऐसे नॉक कर सकते हैं। और ये बालूशाही में ऐसी नॉक करना ज़रूरी होता है ताकि अच्छे से ये सिक जाएं, क्योंकि बालूशाही सिकने में प्रॉब्लम होती है यदि ज़्यादा मोटी बनती है, बीच में सर्किल कर देते दिक्कत नहीं होता। सेकेंड टिप्स यह है फ्रेंड्स, जैसे कि हम अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं, तो कभी कभी सब्ज़ी को हम कभी कभी अरबी को उबाल कर बनाएं, जैसे कि आप उबाल कर बना रहे हैं, कुकर में उबाल लेते हैं, तो उसके छिलके निकालने के लिए उबाल लिया जैसे कि आपने, तो उसका छिलका निकालने के लिए आप हाथ में ग्रीस कर लें, उसके बाद आप छिलका निकालेंगे तो हाथ में चिपकेगा नहीं अरबी। थर्ड टिप यह है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप कुकर में दाल वगैरह उबालते हैं कोई भी चीज़, तो ऐसी सीटी आती है, तो इसी से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप दाल वगैरह बना रहे हैं, तो दाल को जितना क्वांटिटी दाल की है तो दाल से डेढ़ गुना पानी लें, उससे ज़्यादा नहीं लें, और दाल में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिला देंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और दाल को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसी पानी में भीगे रहने दें, और जैसे कि सीटी से दाल लीक होती है उबलते टाइम, तो आप इसमें एक चम्मच घी या रिफाइंड ऑयल डाल दें, और ये जो ढक्कन है ना, जहाँ पर ये उल्टे साइड पर हम जहाँ पर ये ढक्कन के पीछे साइड जहाँ पर ये नट लगा हुआ है, तो उसमें हम इस ढक्कन में जहाँ से सीटी आती है उस पोर्शन में हम रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। आप घी भी डाल सकते हैं जहाँ ये नट बना हुआ है। तो ऐसे में हमारी दाल से दाल बनते टाइम जब दाल पकती है तो उससे दाल बाहर नहीं निकलेगी उबलते टाइम। और आप इसके यदि जैसे कि साइड से सर्किल है ना, जो रबर के साइड से यदि दाल निकलती है, तो आप रबर में भी अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे तो आपकी दाल कभी नहीं निकलेगी उबलते टाइम। तो फ्रेंड्स आप इसको ट्राई करें, दाल नहीं निकलेगी कुकर से। हमारी नेक्स्ट ट्रिक यह है फ्रेंड्स कि जैसे कि हम पनीर, तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पनीर खाना चाहिए, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेली तो सब्ज़ी बना नहीं पाते। आप फ्रेंड्स यदि पनीर में नमक, थोड़ा सा नमक, और जैसे कि इसमें चाट मसाला हो तो चाट मसाला ऐड कर दें, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे सभी पसंद करते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग खाते हैं। आप ऐसे ही खाकर देखेंगे, सच में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दें यदि हो तो, और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। आप इस तरीके से खाएंगे ना, आपको सच में बहुत ही अच्छा लगेगा, आप हमेशा बनाकर खाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक यह है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप केक वगैरह बनाते हैं, तो केक बनाते टाइम केक को बेक करना है, तो आपके पास कोई भी कंटेनर हो, बस इक्वल शेप का होना चाहिए, कहीं से उठा वगैरह ना हो। आपके पास कोई भी पतीला गंजी हो तो उसको भी ले सकते हैं, तो उसको अच्छे से ग्रीस कर लें ऑयल या बटर वगैरह, कुछ से भी कर सकते हैं, बस फ्रेश रिफाइंड ऑयल होना चाहिए। और इसके बाद जैसे कि आप आटे का केक बना रहे हैं, तो इसको आटे की डस्टिंग कर सकते हैं, या मैदे का बना रहे हैं तो मैदे से अच्छे से डस्टिंग कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास कोई भी प्लेन पेपर हो ऐसा, या बटर पेपर हो तो ठीक है, लेकिन बटर पेपर कभी कभी ऐसा होता कि नहीं होता, तो प्लेन पेपर कोई भी ले सकते हैं, और उसको सर्किल में काट करके इसके अंदर ऐसे सेट कर दें, और फिर इसे आप अच्छे से रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, तो ये अच्छे से जब भी हम केक को बनाकर तैयार करेंगे तो अच्छे से इससे डीमोल्ट हो जाता है। और जैसे कि आपको केक को बेक करना है, आपके पास ओवन वगैरह नहीं है, तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास कोई भी मोटा पतीला हो, ऐसा मोटा बर्तन ले लिया है मैंने, मोटी तली का होना चाहिए, या कढ़ाई या कुकर, तो बस इतना हो कि उसमें अच्छा गैप हो, और उसमें आप
कोई भी ढक्कन या स्टैंड रख सकते हैं। तो ये मैंने पुराना स्टैंड रख दिया है इसके अंदर, ऐसे सॉरी छोटा सा ढक्कन रख दिया है, और इसको हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसको गर्म होने देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसको बेक करेंगे, और जब ये बेक हो तो 30 से 35 मिनट तक इसको खोलना नहीं है, उसके बाद ही चेक करना है। और जब ये केक ठंडा हो जाए, केक आपका बनकर रेडी हो गया है, और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसको डीमोल्ड करें, नहीं तो ये टूट सकता है गर्म गर्म में निकालेंगे तो। फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रिक यह है कि जैसे कि आप गाजर का हलवा बनाते हैं, तो फ्रेंड्स आप कद्दूकस वगैरह करते हैं ना घिसनी वगैरह से, तो आपके हाथ छिल जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ट्रिक यह है मुझे लगती है कि आप ऐसे बड़ा बड़ा स्लाइस में इसको कट कर लें, और इसको थोड़ा सा स्टीम में ऐसे 10 से 15 मिनट ऐसे पानी ले लें बड़े बर्तन में थोड़ा ज़्यादा सा, और इसको इसमें स्टीम में पका लें। आपके पास ढक्कन में कभी कभी ऐसा होता है कि गाजर ऊपर तक आ जाती है तो ढकने में दिक्कत होती है, वैसा ढक्कन नहीं मिल पाता, तो ऐसे आप कपड़ा रखकर भी इसको स्टीम में ऐसे ढक्कन ढक दें, उसके बाद कोई भी ऐसी प्लेट वेट रख दें कपड़ा लगाने के बाद, तो ऐसे में आपका आराम से आसानी से ये गाजर पक जाता है। और आप ऐसे स्टीम में पकाएंगे ना, उसके बाद आप इसका हलवा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। क्योंकि होता है अक्सर कि जैसे हम कुकर में बनाते हैं गाजर का हलवा, तो पानी ज़्यादा रिलीज़ करता है, पानी छोड़ने लगता है कुकर में बनाते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, स्टीम में पक गया है उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको हाथ से ऐसे बढ़िया से मिक्स कर लें बहुत ही बारीक, या नहीं तो आपके पास यदि मैशर है तो मैशर से ऐसे मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप हलवा बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा भी बनेगा, और आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने गाजर का हलवा का वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया है। और जब भी आप इसको बनाएं तो शुद्ध देसी घी में बनाएं, शुरू में ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि आप हलवा बना रहे हैं। और यदि आपके पास मलाई हो तो आप, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास खोवा नहीं रहता, हम खोवे का इंतज़ार करते रहते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पास फुल क्रीम दूध हो तो उसी से बना सकते हैं, या तो मलाई ज़्यादा रखी हो तो जैसे दूध की मलाई निकलती है तो उससे भी बना सकते हैं, उसको डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, खोवे की पूरी कमी को दूर कर देगा। और जब आपका हलवा प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए तो उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी ज़रूर ऐड करें। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स उसमें बढ़िया से रोस्ट कर लिया था तो वैसे ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स क्योंकि बाद में इसमें घी डालते हैं ना तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। ओके बाय।